everyone, welcome back to my YouTube channel Science by Deeba. In this video I will discuss exercise 2.4 ka 5 question and usme hum first part ko apni previous video mein solve kara chuke hain. Agar aap ye video pehli baar apni screen par dekh rahe hain to ise like, share and subscribe karna mat bhulna. Chaliye ab is video mein hum log part 2 ko discuss karenge and part 2 kya hai hamara x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Chaliye dekhte hain. देखो इसमें हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज हो सकती है, तो देखेंगे नहीं हो सकती. इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है. हाईएस्ट पावर 3 का मतलब तो डिग्री 3 है, और डिग्री 3 का मतलब ये क्यूबिक है. तो क्यूबिक में हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें हम लॉन्ग टर्म डिवीजन से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम इसमें कांस्टेंट देखते हैं. कांस्टेंट का क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे. तो इसका फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, एंड 5 हो सकता है, एंड -5 हो सकता है. अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में बारी बारी रखेंगे, और जिससे इक्वेशन 0 आ जाएगा वही इसका फैक्टर होगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करें तो 1 cube minus 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 एंड माइनस 5. ठीक है, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड इंटू 3 माइनस 3 माइनस 9 एंड माइनस 5 ये आया. ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 कितना हो गया 14, एंड 14 प्लस मतलब 14 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 17, और ये 1 आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 16. तो इसका ये मतलब निकल गया कि x-1 इसका फैक्टर नहीं है. अब हम लोग क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे. चलो देखते, अब -1 जब पुट करा तो हमने ऐसे माइनस माइनस लगा देंगे. ठीक है, अब -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और ये 1 और ये -3 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्लस का 9, और ये -5 आ जाएगा. अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 3 माइनस का 8 एंड ये माइनस का 9 प्लस 9, तो ये हमारा आ गया 0. इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर है. x+1 क्यों, हमने तो -1 रखा था, तो हम लोग ऐसे ही निकालते थे ना, 1 = 0, देन x = ये उधर गया -1, तो यही हमने करा था. ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x+1 किसका फैक्टर है इस इक्वेशन का. चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये तो मिल गया, अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी हम लगाएंगे लॉन्ग डिविजन. यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, सबसे पहले हम लोग x² से करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स का क्यूब, और ये एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का x². ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे ऐसे साइन अपोजिट करके. x³ कट गया, ये -3 और -x, ये हमारा बन जाएगा 4x², और ये -9x ऐसे ही लिख लेंगे, -5 ऐसे ही लिख लेंगे. ठीक है, अब सेकेंड यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4x से. 4x से करा तो ये आ गया हमारा 4x², और माइनस के 4x² से करेंगे और ये आ जाएगा माइनस का 4x. ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे सब साइन अपोजिट करके काट लेंगे, और ये 9 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा माइनस का 5x, और ये -5 ऐसे ही उतार लेंगे. अब यहाँ पर हम लोग करेंगे माइनस के 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5x एंड माइनस का 5, और इसको जब आप काटोगे तो ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर 0. जब रिमाइंडर 0 हो गया, ये हमारा जो है टर्म निकल कर आया x² - 4x - 5, तो अब हमें ये हमारा ये हमारा निकल कर आ गया फैक्ट जिसे हमने डिवाइड करा था, ये हमारा है डिवीजन, और ये हमारा आ गया क्वेश्चंस, और ये हमारा आ गया रिमाइंडर. ठीक है, तो हमें पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर. तो चलो उसको लिख लेते पहले. ठीक है, डिविडेंड हम लिखेंगे नहीं, क्यों इतना लंबा हमको लिखना है. अब डिवीजन क्या था, डिवीजन हमारा था x+1, और क्वेश्चंस हमारा क्या आया, क्वेश्चन हमारा आ गया x² - 4x - 5. ठीक है, और प्लस रिमाइंडर 0 है. तो अब हम इसको अगेन ऐसे सॉल्व करेंगे. अब देखो यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होगा. अब कैसे करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ, 5x², ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ऐसे कौन से नंबर दो लें जिससे मल्टीप्लाई करने पे 5x² आए, और माइनस करने पे या प्लस करने पे माइनस का 4 आ जाए. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x², और इधर लिखेंगे -5. ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे 5x + 1x. 5 × 5 x² आ गया, 5 में से 1 गया,
4, वो भी माइनस का, ठीक है ये निकल आया। यहाँ पे लिखा x प्लस 1 और यहाँ लिखा x कॉमन ले लिया। अब लिखेंगे x माइनस 5, 1 यहाँ आया और यहाँ पर हमने प्लस का 1 कॉमन लिया, x माइनस 5, 1 ये आया, ठीक है इस तरीके से। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1 और एक फैक्टर लिख सकते हैं x माइनस 5, एक लिख सकते हैं x प्लस 1। तो ये हमारा आ गया आंसर। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।